सो हेलो डियर, कैसे हो आप? और आज की जो हमारी क्लास है वो ग्रामर की है अगेन, और आज हम अपना जो टॉपिक है वो आगे कंटिन्यू करेंगे. और जो हमारी लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को किस चीज़ के बारे में बताया था? सेंटेंस के बारे में बताया था. किस चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था? सेंटेंस के बारे में बताया था. और मेनली मैंने आपको जो बात बताई थी वो ये थी कि सेंटेंस जो है वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक होता है हमारा एक्शन और दूसरा होता है नॉन एक्शन. अब नॉन एक्शन की एक्सप्लेनेशन मैंने क्या दी थी कि भाई जब भी कोई सेंटेंस है उसके अंदर अगर वर्ब नहीं आ रही है तो दैट इज नॉन एक्शन. अब आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम नॉन एक्शन को थोड़ा आगे लेके जाएंगे, नॉन एक्शन के बारे में और सारी चीजें पढ़ेंगे. ठीक है, तो आप टॉपिक नोट कर सकते हो. जिसने भी टॉपिक नोट नहीं किया है जल्दी से टॉपिक को नोट कर लीजिए. आज हम नॉन एक्शन को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे. ठीक है, अब भाई नॉन एक्शन जो हमारा होता है, इतनी तो बात क्लियर है कि भाई जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं आएगी वो नॉन एक्शन है. लेकिन नॉन एक्शन में हमारी दो कैटेगरीज है दोस्तों. ठीक है, एक है हमारी इंट्रोडक्शन और दूसरी है हमारी पोसेशन. ठीक है, दो कैटेगरीज कौन सी हैं? एक है इंट्रोडक्शन और दूसरी है पोसेशन. अब इंट्रोडक्शन क्या होता है, पोसेशन क्या होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ. देखो, इतनी बात तो तय है कि भाई दोनों ही कैटेगरीज के अंदर वर्ब नहीं आएगी क्योंकि दोनों की दोनों ही नॉन एक्शन है. लेकिन अब बात आती है इंट्रोडक्शन की और पोसेशन की. तो भाई इंट्रोडक्शन वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हम किसी भी चीज को, ठीक है, इंट्रोड्यूस करते हैं. अब जिस चीज को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो कोई पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई थिंग भी हो सकती है. अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ. जैसे मान लो मैंने बोला कि ये एक कमरा है, ठीक है, तो मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ना कि इट इज अ रूम. तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन. अब इसके अंदर कोई वर्ब नहीं आ रही, आप देख रहे हो इसके अंदर कोई भी वर्ब नहीं आ रही है और मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ? इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. ऐसे हम किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला वह मेरा दोस्त है, तो मैंने उसको इंट्रोड्यूस करा, तो मैंने क्या कहा? ही इज माई फ्रेंड. या फिर मैंने बोला तुम राम हो, तो यू आर राम. यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस करा ना आपको. तो जब भी हम किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आता है तो डोंट वरी, जब मैं इस टॉपिक को समझाऊंगा तो मैं आपको बेसिक आइडेंटिटीज बताऊंगा कि आप कैसे पहचानोगे कि ये सेंटेंस इंट्रोडक्शन है या नहीं है. ठीक है, अब मैं पोसेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों. पोसेशन का मतलब होता है टू पोसेस समथिंग. इट मीन्स कोई चीज हमारे पास में होना, कोई भी चीज हमारे पास में होना. जैसे कि मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार, तो आई एम पोसेसिंग दैट कार ना, कि मेरा मेरे पास में है वो कार, है ना. ऐसे ही जरूरी नहीं होता कि कई बार हमारा पासवर्ड आए, ठीक है, लेकिन फिर भी सेंटेंस पोसेशन हो सकता है. जैसे मैंने बोला मेरे छोटे बाल हैं, तो आई हैव शॉर्ट हेयर, तो यहाँ पे भी हैव आ रहा है, आप देखो पोसेशन ही है, लेकिन मेरे छोटे बाल हैं, इसमें मैंने पास में वर्ड का यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी ये क्या है? पोसेशन है. तो पोसेशन का सेंस क्या होता है? कोई भी चीज हमारे पास में पोसेस्ड है, हमारे पास में है और हमारा ही एक हिस्सा है, हम ये कह सकते हैं. ठीक है, और पास्ट में भी हो सकता है. जैसे उसके पास पैसे थे तो क्या बन सकता है? कि ही हैड मनी. समझ में आया? तो ये हमारा क्या है? पोसेशन है. इंट्रोडक्शन हो गया ये और पोसेशन हो गया ये. बट डोंट वरी, मैं इनको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा. इवन आज की जो हमारी क्लासेस में मेनली मैं इंट्रोडक्शन के बारे में ही बताने वाला हूँ. और इंट्रोडक्शन की भी तीन कैटेगरीज होती है, उन तीनों कैटेगरीज के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. ठीक है भाई, तो चलो कंटिन्यू करते हैं. तो भाई नॉन एक्शन के अंदर मैंने बात करी नॉन एक्शन की. अब नॉन एक्शन के अंदर जो ये इंट्रोडक्शन कैटेगरी है, ठीक है, इसकी तीन कैटेगरीज होती हैं. कितनी कैटेगरीज होती हैं भाई? तीन कैटेगरीज होती हैं. पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है दोस्तों प्रेजेंट, दूसरी कैटेगरी होती है पास्ट, और तीसरी कैटेगरी होती है फ्यूचर. अब ये हमारे तीन टाइम होते हैं, है ना. ये तीनों के तीनों हमारे क्या है? बेसिकली टाइम है. प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है, जो समय चल रहा है उसको कहते हैं. पास्ट को हिंदी में वैसे भूत कहते हैं, बीता हुआ समय. और फ्यूचर को हम हिंदी में भविष्य कहते हैं, मतलब आने वाला समय. अब इंट्रोडक्शन कैटेगरी में जो ये तीन कैटेगरी है, इसमें मैं पहले आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ.
कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब कि अगर नॉन एक्शन कैटेगरी के अंदर मैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर रहा हूँ तो उस सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। मैं दो स्ट्रक्चर की बात करूंगा मेनली अभी, एक है पॉजिटिव स्ट्रक्चर और दूसरा है कौन सा भाई, नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब पॉजिटिव स्ट्रक्चर गाइस हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि पहले से ही मैंने बता रखा है कि भाई नॉन एक्शन है तो वर्ब तो आएगी नहीं, अगर वर्ब आती तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आ जाती, लेकिन यहाँ तो वर्ब आएगी नहीं, यहाँ सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब नेगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, तो इट विल बिकम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आई मेरी बात? तो ये हमारे यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, जस्ट वेट अ सेकंड। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे दो यहाँ पे रूल्स हो गए, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने तुम्हें तीन कैटेगरीज बताई, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो डिफरेंस किस चीज में क्रिएट होगा स्ट्रक्चर के, अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो उसमें डिफरेंस क्रिएट होने वाला है और कहीं डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला। सब्जेक्ट विल रिमेन सेम, ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम, ऑब्वियसली बात है। देखो प्रेजेंट में मैंने सेंटेंस बोला कि वह एक सिपाही है ना। अब इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं आ रही और ये नॉन एक्शन है, नहीं सही, देखो यहाँ कोई वर्ब नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस क्या है, एक नॉन एक्शन है। अब नॉन एक्शन में पोसेशन है या इंट्रोडक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई ये इंट्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि भाई वह एक सिपाही है। अब आप ये बताओ ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो भाई इसमें है आ रहा है, मतलब अभी भी है वो, इट मींस ये प्रेजेंट इंट्रोडक्शन सेंटेंस है, या इसे हम प्रेजेंट नॉन एक्शन भी सिंपली कह सकते हैं। अब इसको मैं ये भी तो लिख सकता था कि वह एक सिपाही था, तो ये पास्ट में चला जाएगा, और वह एक सिपाही होगा तो ये फ्यूचर में भी जा सकता है। हालांकि वह एक सिपाही होगा इसमें जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में जाए, प्रोबेबिलिटी इसकी भी है कि हम पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं कि भाई वह एक सिपाही होगा, लेकिन यहाँ मैं फ्यूचर के एस्पेक्ट से होगा की बात कर रहा हूँ, किससे एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, फ्यूचर। जब पॉसिबिलिटी का सेंस होता है तो मैं उसकी बाद में करूंगा, ठीक है। अब डिफरेंस जो क्रिएट होगा गाइस वो हेल्पिंग वर्ब का ही होगा, कि जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट की, इसकी प्रेजेंट इंट्रोडक्शन कैटेगरी की, तो वहां पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, अगेन ध्यान देना भाई, वहां पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है दैट इज एम आर। क्या आती है? इज एम आर। मैं सेपरेटली इनके रूल्स लिखवाऊंगा बट मैं बता रहा हूं अभी। और पास्ट में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है वॉज या फिर वर। इज एम आर में से कोई एक लगता है सब्जेक्ट के हिसाब से, वॉज वर में से भी कोई एक लगता है, और फ्यूचर में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो विल भी आती है। वैसे तो शैल भी यूज कर सकते हैं लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम विल का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये तीनों हेल्पिंग वर्ब डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है बेसिक स्ट्रक्चर तो मैंने यहाँ लिखा है। तो पॉजिटिव अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ तो सब्जेक्ट इज एम आर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट इज एम आर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पास्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वॉज वर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये बड़ा बड़ा आसान है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? अब हम बात करते हैं गाइस प्रेजेंट नॉन एक्शन के रूल की। मैं सेपरेटली रूल लिखवा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप अपने रजिस्टर में भी सेपरेटली रूल्स को नोट करें, ठीक है। अब प्रेजेंट नॉन एक्शन की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रेजेंट नॉन एक्शन की जब मैं बात करता हूँ, अब प्रेजेंट नॉन एक्शन का मतलब मैं यहाँ प्रेजेंट इंट्रोडक्शन वाली कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों आइडेंटिटी, उसके बाद आएगा रूल, और रूल के अंदर भी पहले आएगा पॉजिटिव और फिर आएगा नेगेटिव, ठीक है। अब आप ये सोचोगे सर आइडेंटिटी क्या है भाई? आइडेंटिटी का मतलब है वो तरीका जिससे हम ये पहचानेंगे कि सेंटेंस कौन सा है और कौन सा रूल उसके अंदर लगने वाला है। तो देखो प्रेजेंट नॉन एक्शन की आइडेंटिटी दोस्तों ये है कि किसी भी सेंटेंस में, देखो इस हिसाब से चल रहा हूं कि जो स्टूडेंट जो बहुत ही बेसिक लेवल पे है वो लोग भी अच्छे तरीके से चीजों को कर पाए, इसीलिए मैं इसी हिसाब से बताऊंगा कि हिंदी से इंग्लिश में भी आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों चीजें बताऊंगा बट हिंदी वाला पार्ट भी मैं जरूर बताऊंगा ताकि हर एक बच्चा जो है वो आसानी से कर सके, ठीक है। देखो कभी भी किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर ये वर्ड्स आते हैं है, हो, हूं, इन तीनों में से कोई भी वर्ड आता है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या आ रहा है आ रहा है ना। तो कभी भी किसी सेंटेंस के लास्ट में है, हो या हूं आ रहा है और कंडीशन ये है कि वर्ब नहीं आनी चाहिए, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट नॉन एक्शन कहलाएगा। और उसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट। अब भाई देखो बेसिक सा रूल तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो डिफरेंस बस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। और प्रेजेंट में मैंने अभी भी बताया कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, इज एम आर, तीनों में से कोई एक आती है, सब्जेक्ट पे निर्भर करता है ना।
अब नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, तो इट विल बिकम सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इज एम आर कहाँ लगेगा ये आपको पता होना चाहिए कि इज एम और आर कहाँ कहाँ पे लगता है। तो इज आपका लगता है जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, नेम, ही, शी, इट। एम कब लगेगा जब सब्जेक्ट क्या होता है, आई। आर कब लगेगा जब सब्जेक्ट क्या होता है, वी, यू या फिर वे। तो इस तरीके से आपका काम हो सकता है, समझ में आया। अब सेंटेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने ऊपर एक एग्जाम्पल लिखा था, वह एक सिपाही है, तो ऑब्वियसली बात है मैं पहचानूंगा कैसे। देखो पहचानने का तो बहुत आसान तरीका है, लास्ट में देखो उसमें है आ रहा है और वर्ब तो आ नहीं रही, इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट नॉन एक्शन है। रूल क्या लगेगा, रूल मैंने यहाँ पे लिख रखा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है भाई, वह, ही। अब ही के साथ क्या आता है, इज एम आर में से देखो यहाँ पे मैंने लिखवाया है कि ही के साथ क्या आता है, इज आता है। तो आप रूल को फॉलो करो, ही इज और ए के लिए, एक के लिए एक आ गया, सॉरी ए आ गया, तो ही इज अ सोल्जर। और अगर नेगेटिव बनाऊंगा तो बनेगा ही इज नॉट अ सोल्जर। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। अब ये हमारा प्रेजेंट नॉन एक्शन का मतलब इंट्रोडक्शन वाली कैटेगरी का रूल हो गया। अब इसी रूल की अगर मैं बात करता हूं, देखो इसे नोट कर लो जल्दी से, जिसने भी नोट नहीं किया ठीक है जल्दी से नोट कर लो। और अगर मैं इसी रूल की बात करता हूं और चेंज करूं इसको, मतलब प्रेजेंट नॉन एक्शन की जगह मान लेते हैं मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, पास्ट नॉन एक्शन की। किसकी बात करता हूँ भाई, पास्ट नॉन एक्शन की बात करता हूँ। तो ऑब्वियसली बात है आइडेंटिटी तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट नॉन एक्शन में क्या आता है, हो, हूं आता है, लेकिन पास्ट नॉन एक्शन में थोड़ी आएगा भाई ये चीज, सीधी सी बात है नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा भाई था, थी, थे, ये आएगा, ये ध्यान रखना, पास्ट में था, थी, थे आएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि वर्ब नहीं आएगी। अब इज एम आर क्या आएगा, नहीं आएगा, इज एम आर की जगह क्या आएगा, वॉज वर आएगा। क्यों आएगा वॉज वर, क्योंकि जब कंडीशन पास्ट की होती है तो वहां पे वॉज वर आता है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहां मैं लिख देता हूं भाई वॉज या फिर वर आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, वॉज या फिर वर, और उसके बाद नॉट आ जाएगा। अब ये जो कंडीशन है कि इज एम आर कहाँ लगता है, ये थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि वॉज वर का जो रूल होता है वो अलग होता है। तो वॉज हमारा कहाँ लगता है दोस्तों, नेम, ई, टी, इट, आई, सिंगुलर के साथ, नहीं यहाँ नहीं लिखा, लेकिन इज भी सिंगुलर के साथ लगता है, ये नोट कर लेना। और आर जो होता है वो प्लूरल के साथ लगता है, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, सिंगुलर मतलब एक। और वर कहाँ लगता है भाई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ये रूल सेपरेटली नोट करेंगे, प्रेजेंट नॉन एक्शन का रूल सेपरेटली नोट करना और पास्ट नॉन एक्शन का जो रूल है वो भी सेपरेटली नोट करना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बातें। अब इसके बाद हम बात करते हैं गाइस फ्यूचर नॉन एक्शन की। अब ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे ज्यादा डिफरेंस तो होने वाला है नहीं, है ना। ज्यादातर मेनली जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, आइडेंटिटी का होगा और हेल्पिंग वर्ब का होगा, ठीक है भाई। अब यहाँ था, थी, थे हट जाएगा, पास्ट नॉन एक्शन में क्या आएगा। अब नॉन एक्शन में कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन, ये ध्यान रखना, मैंने नॉन एक्शन लिखा है बट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, इंट्रोडक्शन कैटेगरी ऑफ नॉन एक्शन। आइडेंटिटी गाइस क्या होगी फ्यूचर की, होगा, होगी और होगी, ये लिख लो भाई, होगा, होगी, होगी, सेंटेंस के लास्ट में होगा, होगी, होगी आएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। और जो हेल्पिंग वर्ब है मैं पहले ही आपको ऊपर लिखवा चुका हूं कि फ्यूचर नॉन एक्शन में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, साथ के साथ बोलेंगे विल प्लस बी। लेकिन नेगेटिव में ये ध्यान रखना कि नॉट जो होगा वो विल के बाद आएगा, विल नॉट बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देखो यहाँ इज एम आर का देखते हैं हम कहाँ लगेगा, कौन सा, वॉज वर देखते हैं, लेकिन यहाँ तो हम नहीं देखेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे खाली क्या है, विल है, तो विल सबके साथ लगेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ विल लगेगा, ठीक है। अब मैं दोनों के एग्जाम्पल आप लोगों को जल्दी से बताता हूँ, एक बार आप देखेंगे, वेट अ सेकेंड। पास्ट नॉन एक्शन और फ्यूचर नॉन एक्शन के मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला वह मेरा दोस्त था, अब आपने क्या देखा भाई, सेंटेंस के लास्ट में देखना है, सबसे पहले था है, कोई वर्ब नहीं आ रही, तो इसका मतलब पास्ट नॉन एक्शन है, तो क्या बनेगा, ही वॉज माई फ्रेंड। अब ये रूल आप फॉलो कर रहे हो, जो रूल मैंने लिखवाया है, सब्जेक्ट वॉज या वर्ब में से वॉज आ गया क्योंकि ही है, और ऑब्जेक्ट हो गया माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, ठीक है।
ऐसे ही इसको अगर मैं लिखता वह मेरा दोस्त होगा, क्या होगा भाई, वह मेरा दोस्त होगा, ये तो क्या बनेगा, ही विल बी माई फ्रेंड, ही विल बी माई फ्रेंड। ठीक है, अब मैं इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दूंगा, ठीक है, जो कि प्रेजेंट नॉन एक्शन, पास्ट नॉन एक्शन, फ्यूचर नॉन एक्शन इसके मिक्स होंगे, और आपको क्या करना है उनको कंपोज करना है, और आंसर भी मैं अभी बता दूंगा। तो इससे क्या होगा, आप चेक कर सकते हो कि भाई मेरे कितने सेंटेंसेस ठीक हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, अब आप सेंटेंसेस लिख लीजिए जल्दी से। सबसे पहला सेंटेंस है, तुम मेरे टीचर हो। सेकंड, वह, हिंदी में गलती हो सकती है भाई मेरी, डोंट माइंड, वह ईमानदार व्यक्ति है। थर्ड, हम दोस्त थे। फोर्थ, वह घर पर होगा। फिफ्थ, वह मुझसे नाराज था। सिक्स सेंटेंस, मैं घर पर अकेला हूं। ठीक है, सेवन सेंटेंस, तुम एक अजनबी होगी। ठीक है, सात सेंटेंसेस है खाली जो मैंने दिए हैं। अब आप लोग एक बार इस वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को पॉज करिए और इसके आंसर्स लिखिए। ठीक है, अब मैं आंसर डिस्क्लोज कर रहा हूं, लेकिन पॉज करने के बाद, आंसर लिखने के बाद ही आप लोगों को आगे देखना है। ठीक है, अब देखो, तुम मेरे टीचर हो, लास्ट में देखो भाई हो आ रहा है हो, किसमें आता है, प्रेजेंट नॉन एक्शन, और कोई वर्ब नहीं है, तो तुम मेरे टीचर हो, प्रेजेंट नॉन एक्शन का रूल लगाओ, यू आर माई टीचर, भाई टिक कर लो, अपने आप को मार्क्स भी देना कि कितने मार्क्स आए हैं तुम्हारे। ठीक है, और मुझे जरूर बताना, वह ईमानदार व्यक्ति है, तो भाई है आ रहा है फिर से, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे देखो, एक तो नहीं लिखा वह एक ईमानदार व्यक्ति है, फिर भी मैंने लगाया, क्यों, क्योंकि जब भी कोई नाउन सिंगुलर आ रहा होता है हमारा, तो उससे पहले हम या तो ए लगाते हैं या एन लगाते हैं। मैं इसको पूरा डिस्क्राइब करूंगा अपनी आगे की वीडियोस में, ए एन कहाँ लगाते हैं, लेकिन ए मैं नॉर्मली बता देता हूँ, ए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगता है, और एन जो होता है इसे अन भी कहते हैं, अन कहते हैं, ये वाउल साउंड के साथ लगता है। यहाँ वाउल का साउंड आ रहा है जो कि ओ है, इसीलिए यहाँ अन लगाया है। ठीक है, हम दोस्त थे तो ये बनेगा, थे आ रहा है भाई पास्ट नॉन एक्शन का रूल, वी वर, वी के साथ वर आता है, और फ्रेंड्स आएगा, ये ध्यान रखना, फ्रेंड नहीं आएगा, फ्रेंड्स आएगा, क्योंकि हम दोस्त थे मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। नेक्स्ट है, वह घर पर होगा, तो होगा इट मीन्स फ्यूचर नॉन एक्शन है, तो ही विल बी, और ये नोट कर लेना, पर जब भी घर पे या किसी प्लेस की बात होती है और पर आ रहा होता है तो एट लगाते हैं, तो ही विल बी एट होम। वह मुझसे नाराज था, तो अगेन था आ रहा है, तो इसका मतलब ये पास्ट नॉन एक्शन है, तो ही वॉज अपसेट। ठीक है, और से के लिए गाइस फ्रॉम आता है, किसके लिए, से के लिए क्या आता है, फ्रॉम आता है, फ्रॉम मी, यहाँ मी आया। ठीक है, मुझसे, मुझ, ये जो मुझ है ये ऑब्जेक्ट है, और वैसे मुझे को आई कहते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट के रूप में इसको यूज किया जाता है तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। ये सब मैं आपको प्रोनाउन वाली कैटेगरी में बताऊंगा, इसके बाद हो सकता है कि हम प्रोनाउन करें। मैं घर पर अकेला हूं, तो अगेन हूं आ रहा है, प्रेजेंट नॉन एक्शन है, तो आई, आई के साथ एम, अलोन, फिर पर के लिए मैंने बताया था एट होम, और लास्ट है, तुम एक अजनबी होगे, तो फ्यूचर नॉन एक्शन, तो यू विल बी अ स्ट्रेंजर, अजनबी को स्ट्रेंजर कहते हैं, या अननोन अगर लिखेंगे तो एन आ जाएगा। तो आई होप गाइस आप लोगों के 7 out of 7 आए होंगे, लेकिन अगर किसी के कम भी आए हैं तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमारा जो नॉन एक्शन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है गाइस, उसका जो पूरा का पूरा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है।